सर्दियों के सीजन में भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है और रात को खाने के बाद हमें कुछ मीठे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना आज कुछ मीठा बनाया जाए और आसानी से बन जाए, कैल्शियम आयरन से भरपूर भी हो, जैसे कि तिल की बर्फी। आज दो टाइप की रेसिपी लाई हूँ, जो आपको पसंद आए आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, उससे पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 1 कप भर के तिल लेना है। इसको धीमी आंच पर सेकना होगा जब तक कि तिल अच्छे से फूल जाए, और तिलों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आवाज़ आती है भूनते टाइम और हल्के से फूल से जाते हैं, तब तक इन्हें भूनना होगा। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून जाए, और अब गैस को बंद करके आप इन्हें ठंडा कीजिए। अब जितना मैंने तिल लिया था उसी कप से मैं भर कर चीनी ले रही हूँ। जितना मैंने 1 कप भर के तिल लिया था तो 1 कप भर के मैं चीनी भी यूज़ करूँगी इसमें, और मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेना है। ये देखिए, चीनी के पाउडर बन चुके हैं। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब मैं इसी मिक्सी के जार में तिल को ठंडा करने के बाद पीस रही हूँ। तिल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हमें पूरी सर्दी ज़रूर खाना चाहिए तिल को, और जब भी आप पीसेंगे मिक्सी में तो ऑयल की वजह से तिल अपना ऑयल छोड़ता है, उसकी वजह से ना थोड़े गुठले से बन जाएंगे। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई तिल को डालेंगे, और डालने के बाद इसमें 2 चम्मच भर कर घी डालेंगे और स्लो गैस पर इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे। दूध डालने से ये होगा, इसमें सॉफ्टनेस आएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना है दूध, बस 1 से 2 चम्मच हमें दूध डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसमें हम तीसरा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, पिसी हुई चीनी। आपको लगेगा पिसी हुई चीनी ज़्यादा है, पर इसमें ज़्यादा नहीं होगी। पूरी पिसी हुई चीनी हम इसमें ऐड करके इसको स्लो गैस पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप भर के मिल्क पाउडर डाल देंगे। इतना बढ़िया स्वाद आता है मिल्क पाउडर डालने के बाद, ऐसा लगता है कि मावे की बर्फ़ी खा रहे हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा भी ऐड कर सकते हो मिल्क पाउडर की जगह, या फिर दूध को 3-4 कप दूध को गाढ़ा करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है आप इसमें ऐड कीजिए। फिर लास्ट में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देना है। और एक ट्रे ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए, जिसमें आप सेट करना चाहें। उसके ऊपर बटर पेपर को लगा दीजिए। बटर पेपर पर हल्का सा घी लगा दीजिए। एकदम ज़रा सा घी लगाने के बाद आप बादाम की कतरन या फिर पिस्ते की कतरन या फिर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है उसके ऊपर डालने के बाद सारे मिश्रण को डाल दीजिए, और कटोरी की सहायता से इसको दबा दबा कर अच्छे से ब्लेंड कीजिए, और बहुत ही अच्छी लगेगी। इस बर्फ़ी को आप काफ़ी दिनों तक इंजॉय कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्वाद भी बहुत अमेजिंग रहेगा। बहुत ही टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको हम 2 से 3 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे, रख दीजिए ढककर, इसको सेट होने दीजिए, और 2 से 3 घंटे बाद हम इसमें कट करेंगे। अब चलते हैं हम लड्डू बनाने के लिए। लड्डू बनाने के लिए हमें तिल चाहिए और गुड़ चाहिए। हमने जो इससे पहले रेसिपी बनाई थी वो चीनी और तिल से बनाई थी बर्फ़ी, लेकिन ये जो लड्डू बना रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। इसमें 1 चम्मच का 1 ड्रॉप भी घी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप भर के तिल ले रहे हैं। तिल को मैंने पहले से ही भून कर ठंडा कर दिया था। जब मैंने तिल और चीनी की बर्फी बनाई थी उसी टाइम मैंने इस तिल को भी मैंने भून लिया था। भून कर ठंडा करने के बाद मिक्सी की जार में ग्राइंड करने के लिए डाल रही हूँ मैं। और इसी टाइम इसमें 3 से 4 इलायची डाल दीजिए और इलायची के साथ तिल को ग्राइंड करना है। तिल को ग्राइंड करने के बाद अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ छोटे छोटे पीस में कटा हुआ गुड़ डालेंगे, देसी गुड़। आप चाहे तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ का चूरा भी ले सकते हैं। और इसी को दोनों को मिश्रण को हम ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना तो दूध डालना है, ना ही घी डालना है, ना तो ऑयल डालना है, कुछ भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। 2 चम्मच तिल को मैंने अलग से रोस्ट करके रख दिया था। अब हम बराबर मात्रा में लड्डू बनाएंगे और तिल में लपेट देंगे। खाना खाने के बाद आपको मीठा खाने का मन हो तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। ना तो इसमें घी ज़्यादा लगता है और ना ही दूध लगता है, झटपट से बन जाता है, कम मेहनत लगता है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको ज़्यादा दिन तक आप रख भी सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप ज़रूर बनाइएगा और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको ज़्यादा दिन तक आप इंजॉय भी कर सकते हैं। अब बारी आती है इस बर्फ़ी को चेक करने की, जो मैंने 2 घंटे पहले बनाकर रखी थी। 2 घंटे में फ्रिज में हमें नहीं रखना है, 2 घंटे में एकदम परफेक्ट सेट हो गई है बिना फ्रिज के, और बाहर मैंने सेट किया है। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे कट करके देख लेते हैं। काटने से ही आप समझ रहे होंगे कि कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इसमें चीनी के बदले गुड़ भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट मिठाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में हमें कैल्शियम आयरन से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए। और कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।